गाइस मैंने नेल्स वगैरह भी रेडी कर ली हैं और ड्रेस भी मैंने चेंज कर ली है। बस अभी चाचू आ रहे हैं और फिर हम जाएंगे शूट। गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं। मैंने ये ज्वेलरी पहनी है, ये ड्रेस है मेरा। ड्रेस अभी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, अभी रश है और मेरे साथ हैं चाचू। ये ज्वेलरी की ड्रेस है, तुमको नजर आ रही है ज्वेलरी ड्रेस की? बस में दिखा दो, सुन पर सुन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कर दें, बेइज्जती बाद में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? सो गाइस हम शूट के लिए निकले हैं लेकिन रश बहुत ज्यादा है, देखते हैं कि टाइम पे। मैं ऐसे बोलूं जैसे मुझे जबरदस्ती बिठा रहा है किसी को, डीप डाउन क्या पता है जबरदस्ती बिठाए। तो बस अभी हम निकल आए हैं और एक हाथ में मैंने ये वॉच पहनी है और ये बस और कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है। आप लोग अपना जूता भी दिखाना भूल गई थी। खैर मैं गाड़ी से उतर के आपको दिखाऊंगी, लेकिन कुछ इस तरह का है कि मैं उतर के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस अभी हम रश से निकल आए हैं और होपफुली 10 से 15 मिनट में पहुँच जाए। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहीं से जगह बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन देखेंगे आगे की लोकेशन कैसी है। खैर मैं तो देखूंगी लेकिन आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और हम लोग फोटोशूट करवा के फ्री हो चुके हैं। फोटोशूट देखने के लिए आपने स्टूडियो 6 से भेज दिया ना, और वो लोकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें जो दिखाएंगे, मेरा शूट भी खैर मुँह तो नहीं दिखाएंगे लेकिन फिर भी ड्रेसेस वगैरह बाकी सारी चीज़ें। हाँ आपने, मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और आपने वहाँ जाके चेक कर लें। और शूट बड़ा अच्छा हुआ। अब हम जा रहे हैं आपकी के ऑफिस, आप ही को पिक करेंगे या फिर घर जाएंगे। यार ये कोई फार्म हाउस है, इसके सामने है हम लोग। हम आप ही को लेने के लिए आए हैं लेकिन हमें रास्ते ही मिल रहा, पता नहीं हम नर्सरी में फंस चुके हैं। आप ही का ऑफिस और आप ही ले रही है पौधे शौधे नर्सरी से, फिर बस पौधे वगैरह ले रहे हो, फिर हम जाएंगे घर। अभी चाचू भी गए हैं, वो भी कुछ लेंगे घर के लिए, तो बस फिर जाएंगे क्योंकि हालत मेरी बहुत शदीद ख़राब हो चुकी है। थकावट बहुत ज़्यादा है, मैंने एकदम से जब पानी पी लिया है तो मुझे वॉमिट आना शुरू हो गई। तो बस अभी घर पहुँचते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। पौधे वगैरह ले लिए हैं, पीछे पौधे पड़े हुए काफ़ी सारे, आप ही बना लिया। बस वही हम घर जा रहे हैं, अम्मी रेडी हो रही है, फिर हमने जाना है वहाँ के जरूरी काम से। और नहीं ऐसे दूल्हन बन के नहीं जाऊँगी, और बस अभी जाएंगे वाकेंट और यूँ करके हम वाकेंट पहुँच जाएंगे क्योंकि हमारे साथ हैं ये का पार्टनर था मेरा, टेडी भी है इसके साथ। मैंने फोटोशूट करे मतलब 2-4 पिक्स में ये भी था। तो आइसक्रीम पिक करेंगे और फोन से जाएंगे घर क्योंकि मम्मी बार बार कॉल कर रही हैं और ये दुश्मन की बातें इग्नोर करें। आइसक्रीम बस जल्दी से आइसक्रीम फिनिश करें क्योंकि मेल्ट हुई तो मेरे कपड़ों का बेड़ा गलत हो जाए। हम जा रहे हैं मार्केट और थोड़ी में जा रहे हैं, थोड़ी तेज चला रहे हैं माहौल बना हुआ, माहौल जिंदगी तो आसमान की। सो गाइस बस यही हो सकता है कि हम यहाँ जहाँ बैठे वहाँ पालक और धनिया और साग भी कट रहे थे, तो भाई पहले धनिया कट चुका है बड़ी अच्छी से बारीकी से और पालक कट रही है, उसके बाद में भी साग शाग कोई निकल आए वो कटेगा। सो गाइस हम आ चुके हैं पापा हमारे घर पे जी, क्लोज करो कल और हम देखेंगे पौधे सौधे। हमने पौधे लेके आए हैं, हमारे समय फैमिली वालों को पौधों का वो शौक है, हमारे घर भी बहुत सारे नए आते रहते हैं। हाँ। हाँ, ये भी है हमारे घर, ये भी रिश्पा लेके नहीं ये वाला। हाँ जी इसी तरह के मामा, इसी तरह के 3-4 है, सबके कलर डिफरेंट है, एक बिल्कुल रेड में और इस तरह लग रहा है। एक ये लाएंगे, ये भी लाएंगे, अच्छा ये भी लाएंगे, इस तरह ये वाला लाएंगे मुझे, ये इंडोर है ना। हाँ ये भी लाएंगे,
ये पहले का है इसको बड़े, ये सारे में गमले नए वाले बहुत प्यारा लग रहा है ये। हां ये छोटा लेना है ना, ये का लेना, ये सारे नए लाए। तो गाइस मामा का गार्डन एक ये है और एक मामा ने यहां पे वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हुई है। तो यहाँ पे भिंडियाँ लगी हुई हैं, मामा लोगों ने बैंगन तोड़ लिए। ये आप लोग देखें। तो गाइस बच्चे जो हैं खेलने लगे हैं, चेस खेलने आते हैं, हरकते भी खेल रहे हैं। जज्बा पूरा, जज्बा ये वाला जज्बा चाहिए। रानी कितना क्यूट लग रहा है। रहना आप आती है खेलने, मुझे सिखाएंगे आप खेलने ना। मुझे अच्छा अपना टीथ दिखा दें। मेरे यूट्यूबर वाले देख, यूट्यूब वाले फ्रेंड्स देख रहे हैं आपका टीथ, दिखाएं जरा मुझे। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट और वैसे थोड़ी शॉपिंग करने। हाँ जी मार्केट से आते हैं, बस पापा के साथ थोड़ी देर मार्केट जाएंगे, वो मेरे पापा। तो अभी हम बस मार्केट जा रहे हैं, गर्मी बहुत शदीद है लेकिन दो चार चीज़ें बहुत ज़रूरी लेनी है इस वजह से। गाइस मार्केट से आ चुके थे और भाभी ने कुलचे और चाय बनाई मेरे लिए, क्योंकि मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था, भूख नहीं थी, तो इस वजह से अब ये खाएंगे और फिर हम घर के लिए निकलेंगे।